भोपाल। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गोवंश संवर्धन के साथ ही गौशालाओं का सर्व सुविधा युक्त विकास भी जरूरी है। गायों के बेहतर संरक्षण के साथ गोबर के समुचित उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चाहिए। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा गुरुवार को मंत्रालय में सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं की बेहतर व्यवस्था और गोवर्धन योजना समिति संबंधी मंत्री समूहों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, MSME मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी उपस्थित थे। मंत्री समूह की बैठक में गौशालाओं के विकास, गो संरक्षण और गोबर के समुचित उपयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव पशुपालन JN कंसोटिया ने गोवंश संवर्धन के लिए जा रही कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में गौशालाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गौशालाओं में ही गोबर और गौमूत्र से विभिन्न उत्पादों के निर्माण और विपणन की व्यवस्था संबंधी विभिन्न सुझाव दिए गए। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने सुझावों को कार्यवाही विवरण में सम्मिलित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सुझावों और अनुशंसाओं के आधार पर तैयार किया गया प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।